क्लास 8। मैं हूँ अभिशार सर और आज आप सबके बीच में लेके आया हूँ आपके चैप्टर नंबर 6 का 8th वीडियो, यानी कि आठवां वीडियो, जिसमें हम लोग समझने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को, जो कि नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में आता है। ठीक है ना, यहाँ आप देखेंगे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हुआ था नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से। उसके में हमारे पास था रिसोर्स एलोकेशन, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज, मैनेजिंग डिस्क एंड फाइल्स, इसके अंतर्गत में ये सारे चीज़ आते हैं। तो रिसोर्स एलोकेशन और मेमोरी, इनके बारे में मैं पिछले क्लास में ऑलरेडी डील कर चुका हूँ। तो आज की क्लास में हम लोग इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानेंगे कि आखिर हमारा इन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कैसे मैनेज करता है। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में जो फ्लो कंट्रोल होता है वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, यानी कि डेटा का रिप्रेजेंटेशन हो, डेटा का प्रिंटिंग हो या फिर कोई अदर चीज़ हो, वो सारा का सारा कंट्रोल जो हमारा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत ही होता है बाबू। ठीक है ना, ये आप लोग समझते भी होंगे, आई थिंक आप लोग इतने समझदार अब हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब कंप्यूटर पे थोड़ा सा ध्यान भी दे रहे हो, है ना, और ध्यान देना मैंडेटरी है बाबू। ठीक है ना, अगर आप कंप्यूटर पर ध्यान नहीं दोगे, मैं 2 मिनट का समय आपसे लेना चाहूँगा क्योंकि कुछ विशेष सूचना है, मैं वो बता देना चाहूँगा आपको, है ना। तो आपने सुना होगा कि नई शिक्षा नीति आने वाली है ना। तो नई शिक्षा नीति में क्या है कि आपको कंप्यूटर एजुकेशन अच्छे स्तर पे क्लास 5 से ही करनी है। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर पहले नहीं कुछ पढ़ पाए हैं, कंप्यूटर एजुकेशन अच्छी तरीके से नहीं हो पाई है आपकी, बेसिक्स नहीं अच्छी हो पाई है आपकी, तो आप लोग ज़रूर इसके बारे में ये कोशिश कीजिए कि हम बेसिक्स पूरा करें अपना, क्योंकि अगले साल से ऐसा लग रहा है, जैसा मेरा अनुमान है ना, कि आप लोगों का जो पढ़ने का तरीका है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा और आपका जो ये कंप्यूटर का सिलेबस है ये आई थिंक 4-5 के बराबर का है ना, मेरे समझ से 4-5 के बराबर का है। और आपको 6-7-8 में ऐसे कुछ पढ़ाए जाएंगे, ऐसे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ाए जाएंगे जिससे आप मैट्रिकुलेशन करते करते आपके हाथ में कुछ ना कुछ पैसे वाला जॉब होना चाहिए, आप कुछ क्रिएटिविटी कर सके, कुछ अलग कर पाए, ऐसा कुछ आप लोगों को कंप्यूटर साइंस में पढ़ाया जाएगा। और जैसे कि अभी हम लोग मैथ्स और अदर सब्जेक्ट्स पर फोकस करते हैं, वैसे ही आपको अब गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रोवाइड किया जाएगा कि आप कंप्यूटर पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, है ना। इसीलिए नई शिक्षा नीति में कंप्यूटर्स को मैंडेटरी किया गया है और क्लास 5 से ही मैंडेटरी कर दिया गया है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अभी क्या है ना कि हम लोग कहते हैं अरे छोड़ो ना, बाहर का है क्या, कोई फ़ायदा नहीं है करने से, लेकिन अब ऐसा नहीं करना होगा बाबू, है ना। अगर ऐसा करोगे तो फिर बाद में बहुत परेशानियाँ होंगी और आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में अलग अलग सर्टिफिकेशन भी किया जाएगा आपका कंप्यूटर में ही। जैसे मान लेते हैं कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज है, जैसे कि आप लोगों का अगला चैप्टर या उससे आगे पीछे एक दो चैप्टर आपका आने वाला है विजुअल बेसिक का, है ना, या HTML आप लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, तो उन पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग में आपका सर्टिफिकेशन दिया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू। तो ये सब काफ़ी काम का होने वाला है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जो भी आप लोगों का कंप्यूटर का जो नॉलेज है उसको और गेन करें, ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ, ताकि अगर मान लिया कि अगले साल अगर चेंज हो, ऐसा मुझे उम्मीद है कि अगले साल से चेंज हो जाएगा और आप लोग 9th में जाओगे तो आई थिंक आप लोगों को कंप्यूटर पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा ज़्यादा चांस है, हो सकता है कि इस बार ना हो पाए तो अगले बार तो 100%, यानी कि 2022 में जब आप लोग मैट्रिकुलेशन में होंगे तब तो निश्चित है कि इसको होना ही है। और बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो अभी इम्प्लीमेंट भी कर चुके हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, वो इम्प्लीमेंट कर चुका है, बिहार भी इसकी तैयारी कर रहा है, लगभग पूरी तरह से तैयारी भी हो चुकी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है अगले साल से ये हो जाए। तो आपके भलाई के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग कंप्यूटर एजुकेशन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर, ज़्यादा समय ना लेंगे आपका। ठीक है, तो फ्लो कंट्रोल के बारे में मैंने बताया था, जो आपका फर्स्ट लाइन लिखा भी है, फ्लो कंट्रोल इज आल्सो पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि फ्लो कंट्रोल, डेटा फ्लो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अब डेटा फ्लो क्या होता है मैं बताता हूँ, अभी जस्ट ये जो नीचे आप डायग्राम देख रहे हैं मैं इसके बारे में बताऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट मैनेज ऑल रिक्वेस्ट टू रीड डेटा फ्रॉम डिस्क और टाइप एंड राइट दिस डेटा टू प्रिंटर और अदर इनपुट सोर्सेज। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ये भी होता है कि सारे रिक्वेस्ट जितने भी रिक्वेस्ट होते हैं उसको डिस्क से, यानी डिस्क करने का मतलब हार्ड डिस्क या फिर पेन ड्राइव या किसी भी अदर मेमोरी मीडिया डिवाइसेज जो होते हैं वहाँ से लेना है और किसी अदर डिवाइसेज पे जाके
राइट करना है। राइट करने का मतलब प्रिंट आउट करना या फिर टाइप करना भी हो सकता है, आप कीबोर्ड से इनपुट दे रहे हैं तो उसको भी राइट करना ही बोलेंगे, ठीक है ना। तो अदर आउटपुट सोर्सेज पे आप उसको जाके राइट करेंगे। अब इसके लिए मैं आपको इस प्रिंटर का एग्जांपल देना चाहूँगा, ठीक है। इस प्रिंटर में क्या, चाहे रुकिए ऐसा करते हैं, हम लोग नीचे वाले पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं तब समझाना, क्योंकि इस पैराग्राफ में कुछ इसके बारे में लिखा भी हुआ है तो आप और अच्छे समझ पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात होता है, द स्पीड ऑफ द आउटपुट टू प्रिंटर्स, द स्पीड ऑफ द आउटपुट टू प्रिंटर्स, मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स नाउ फॉर अलाउ फॉर प्रिंट स्पूलिंग वेयर डेटा टू बी प्रिंटेड इज फर्स्ट पुट इन अ फाइल। अब जो हमारा होता है इसको स्पीड अप करने के लिए, स्पीड अप यानी कि फास्ट तरीके से, आप देख रहे होंगे कि अभी जितने भी हमारे प्रिंटर्स आ रहे हैं लेटेस्ट वाले जो मार्केट में आ रहे हैं, जो पुराने वाले हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो प्रिंटर्स क्या करते हैं कि हर एक जो भी डेटा आप लोग उसको देते हैं प्रिंट करने के लिए, उसको स्पूलिंग करता है। मतलब एक जगह स्पूल करके, एक जगह एक फाइल बना के, एक वर्चुअल फाइल बना के उसको वहाँ पे स्टोर करता है, ठीक है ना, ताकि आपका जो प्रोसेसर है वो उस काम के लिए फ्री हो जाए, है ना। आप अगर डायरेक्ट प्रिंट दोगे तो डायरेक्ट आपके कंप्यूटर से अगर प्रिंट जाएगा तो आपका प्रोसेसर भी उसमें इन्वॉल्व रहेगा, लेकिन अगर उसको बीच में कहीं इंटरमीडिएट फाइल में अगर हम लोग वहाँ पे कन्वर्ट करते तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा प्रोसेसर खाली हो जाएगा और उसके बाद जो उसका एनर्जी होगा वो स्पीड लगा के आपका प्रिंटिंग को परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये आप बोलेंगे कि सर ये जो फाइल बनता कहाँ होगा, बनता तो हमारे कंप्यूटर में ही होगा। तो नहीं बाबू, ये फाइल हमारे कंप्यूटर में नहीं बनता है, ये फाइल एक छोटी सी मेमोरी हमारे प्रिंटर में लगाई जाती है, जितने भी लेटेस्ट प्रिंटर्स आ रहे हैं उसमें एक छोटी सी मेमोरी लगाई जाती है, और लगभग लगभग सारे डिवाइसेज जो भी है उसमें मेमोरी लगा ही होता है। अगर मेमोरी लगा नहीं होगा तो उसको पता ही नहीं होगा कि हमें करना क्या है ना। प्रिंटर से आप लोग देखते हैं कि रेड कलर निकल जा रहा है, ब्लू कलर निकल जा रहा है, उसमें कुछ ना कुछ मेमोरी लगा होगा, कुछ ना कुछ उसमें प्रोग्राम किया होगा, तभी तो वो अलग अलग कलर निकाल रहे हैं। कलर टैंक में तो हम लोग सारे कलर डाल देंगे, लेकिन कब किस कलर की ज़रूरत है तो उसको पता होना चाहिए ना। तो वहाँ पे भी एक मेमोरी लगा रहता है, तो उस मेमोरी में ही हमारे सारे फाइल्स जाके स्टोर हो जाते हैं एक लाइन। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, कहीं कहीं आप देखते होंगे किसी दुकान पे जाते हैं तो लाइन लगा देता है ऐसे, ये मान लेते हैं ऐसा करके हमारा लाइन लगा दिया, ये हमारे सारे लाइन हो गए, और ये वाला जो एरिया है ये हमारा दुकान है, ठीक है। तो दुकानदार किसको सबसे पहले सामान देता है, सबसे पहले देता है ये वाले आदमी को, दिया निकला, ये आदमी फिर निकल जाएगा, फिर दूसरे को दिया निकला, तीसरे को दिया निकला। लेकिन अगर क्या होगा कि सारे आदमी अगर यहाँ से चारों ओर से लग जाए तो क्या होगा, ये आदमी भी कंफ्यूज हो जाएगा और इस काम को करने में काफ़ी समय इसको लग सकता है, ठीक है। तो हमारा जो ये अब ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या करता है, मान लेते हैं कि दो कंप्यूटर हमारे पास है, एग्जाम्पल के तौर पे दो कंप्यूटर है, और दोनों कंप्यूटर को एक फाइल को कॉपी करना है, सॉरी प्रिंट करना है। मान लेते हैं एक प्रिंटर हमारे पास एक ही है और एक ही प्रिंटर को यूज ये दोनों सिस्टम करता है, और इसको प्रिंट करना है, दोनों को कुछ ना कुछ फाइल प्रिंट करना है। तो ये क्या करेगा, एक मान लेते हैं यहाँ पर बॉक्स का एग्जांपल दिया गया, तो एक ये हमारे बॉक्स ही होंगे, फाइल टाइप का हो गया, ये फाइल है जिसमें दोनों आदमी का फाइल जाके स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे सारे देखिए फाइल स्टोर है हमारे, है ना, यहाँ पे सारे फाइल स्टोर हो गए हैं, ठीक है। तो अब क्या करेगा हमारा प्रिंटर, यहाँ से पूरा पूरी तरह से वहाँ स्टोर हो गया। अब प्रिंटर हमारा एक एक करके, जो सबसे पहले फाइल आया उसको प्रिंट करके निकालेगा, फिर दूसरे करके आया उसको निकालेगा, फिर तीसरा गया उसको निकालेगा, फिर चौथा गया उसको निकालेगा, फिर जितने फाइल्स है उसको निकालेगा। और इसको एनर्जी कहाँ से मिलेगा, हमारे कंप्यूटर से। तो अब दो कंप्यूटर्स का एनर्जी तो मिल ही रहा है, साथ साथ प्रोसेसर पूरी तरह से खाली मिल रहा है। क्यों, क्योंकि इसका फाइल जो है ये बीच में इंटरमीडिएट डिवाइस में जाके सेव हो चुका है, ठीक है, समझ गए। तो ये काम भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल करने, आजकल क्या मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है कि आप इसको स्पूलिंग करके इसके रिक्वेस्ट को आगे की ओर फॉरवर्ड करें, जो भी प्रिंटिंग करना हो या फिर किसी अदर कामों को परफॉर्म करना हो तो उसमें इसको किया जाता है, ठीक है। यहाँ एक और उसके बाद का मैं बताता हूँ, दिस फ्री अप द प्रोसेसर फॉर अदर वर्क टिल टाइम डेटा गोज़ टू द प्रिंटर। ये मैंने अभी बताया, ये आपके प्रोसेसर को फ्री भी कर देता है जब तक आपका डेटा वहाँ पर जाके प्रिंटर में सेव हो जाता है, ठीक है। द प्रिंटर कैन हैंडल लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा एट ए टाइम। आपको पता भी है, ये भी मैंने बताया कि प्रिंटर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा वहाँ पर हैंडल कर सकता है एज अ दुकान वाला, ठीक है। दुकान वाला क्या करता है कि अगर उसके पास 500 कस्टमर्स एक ही बार में आ जाए सर पे, चारों तरफ से उसको घेर ले, तो क्या वो किसी को सामान दे पाएगा, सही से नहीं दे पाएगा। लेकिन वहीं लाइन बाई लाइन एक एक करके अगर सारे लोग जाएंगे तो आसानी से उसको हो जाएगा। तो यही प्रिंटर के पास भी समस्या है कि अगर सारे बहुत सारे कंप्यूटर्स बहुत सारे एक ही कंप्यूटर बहुत सारे फाइल को अगर भेज दे तो हमारा कंप्यूटर सॉरी हमारा प्रिंटर थोड़ा सा परेशान हो सकता है, यानी कि उसको थोड़ा स्लो हो जाएगा, हो सकता है फंस जाए, हो सकता है हैंग कर जाए,
तो ये सब समस्या आ सकती है। लेकिन अगर वही फाइल किसी क्यू में जाए, एक लाइन में जाए, तो क्या होगा, एक एक करके निकलते चला जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको दुकान का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है ना। यहाँ पे एक और दिया हुआ है, विदाउट प्रिंट स्पूलिंग यू वुड हैव टू वेट फॉर अ प्रिंट जॉब टू फिनिश बिफोर यू कैन डू एनीथिंग एल्स। अब स्पूलिंग का अगर हम लोग यूज़ नहीं करते तो क्या होता है, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे उठ के आता है, अगर हम लोग स्पूलिंग का यूज़ नहीं करते तो क्या होता। स्पूलिंग का यूज़ नहीं करते तो हमारा प्रोसेसर खाली नहीं होता, प्रोसेसर खाली नहीं होता तो हम लोग अपने कंप्यूटर से दूसरा कोई काम नहीं कर पाते। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है ऐसा। हम लोग करते हैं तो प्रिंटर को हम लोग जॉब दे देते हैं, जो भी उसको प्रिंटिंग करना है, 2000 पेज करना है, उसको दे दिए और अपना जो भी काम है करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर स्पूलिंग नहीं हुआ होता तो आपको जब तक वो 2000 पेज प्रिंट ना होता तब तक आपके कंप्यूटर पर कोई भी काम ऑपरेट नहीं हो सकता था, आप सिर्फ और सिर्फ वही काम कर सकते। तो ये हमारा जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इस काम को भी मॉनिटर करते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कैसे परफॉर्म करेंगे इसको भी मॉनिटर करते हैं, ठीक है। अगला हमारा है मॉनिटरिंग सिस्टम एक्टिविटीज, हमारे सिस्टम एक्टिविटीज़ को भी मॉनिटर करता है। उसमें पहला पॉइंट है सिस्टम परफॉर्मेंस, आपका सिस्टम का परफॉर्मेंस कैसा है। परफॉर्मेंस इट मीन्स आपका सिस्टम का स्पीड कैसा है, आपका सिस्टम का रिस्पॉन्स रेट क्या है, रिस्पॉन्ड रेट, बबूस रिस्पॉन्स नहीं, रिस्पॉन्ड रेट। रिस्पॉन्ड का मतलब आप कोई रिक्वेस्ट दिए उसका उधर से कितने जल्दी जवाब आ रहा है, मान लें कि हम किसी फाइल को खोले वो कितने जल्दी में खुल रहा है। तो ये सारा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है, ठीक है ना। जो भी एक्टिविटी हमारे सिस्टम के अंदर में होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इससे पहले जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है बाबू, इसको आप लोग नोट्स के तौर पे अपने आप से पॉइंट बना बना के लिख लेंगे, ठीक है ना। तो अब सिस्टम परफॉर्मेंस इंक्लूड्स रिस्पॉन्स टाइम, है ना। रिस्पॉन्स टाइम का मतलब होता है कि बाबू मैंने किसी चीज़ का रिक्वेस्ट किया, जैसे मैं आपको बोला कि बाबू आप इसका नोट्स लिख के दिखाओ, अब इसका रिस्पॉन्स आप लोग कितने जल्दी दे पाते हो, कितने जल्दी आप लिख के दिखाते हो, इसी को हम लोग रिस्पॉन्स टाइम बोलते हैं, ठीक है। अगर आप 5 सेकंड में रिस्पॉन्स कर रहे हो तो आपका रिस्पॉन्स टाइम 5 सेकंड होगा, कोई आदमी 5 मिनट में करता है तो उसका रिस्पॉन्स टाइम 5 मिनट हो गया। तो इसी तरह से हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का परफॉर्मेंस रिस्पॉन्स टाइम के बिहाफ में कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना। आप कितने जल्दी रिस्पॉन्स कर रहे हो ये देखा जाता है, ठीक। तो मान लेते हैं कि हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई डिवाइस लगाएं या फिर किसी और चीज़ के लिए यूज करने के लिए हम लोग सिस्टम को ओपन किए, फिर हम लोग कोई और वर्क उसको दिए, तो वो कितना जल्दी हमको ये करके देता है, काम करके देता है, इसी को हम लोग रिस्पॉन्स टाइम बोलेंगे। और ये मैनेज करना हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। आइए हम लोग आपके बुक से पढ़ते हैं, सिस्टम परफॉर्मेंस इंक्लूड रिस्पॉन्स टाइम। फॉर एग्जाम्पल हाउ लॉन्ग इट टेक द कंप्यूटर टू रिस्पॉन्ड वेन डेटा इज इंटर्ड, इसके बारे में मैंने अभी बताया। एंड सी पी यू यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन का मतलब होता है, देखिए कंपेयरिंग द टाइम द सी पी यू इज़ वर्किंग टू अ टाइम टू इट्स आइडल। आइडल का मतलब होता है स्थिर, हमारा सी पी यू अगर बैठा रहे, मान लो सी पी यू बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल आराम से है, और उस समय से यूटिलाइज, यूटिलाइज का मतलब उसको काम में लाना, वो किसी काम को करने में कितने फास्ट तरीके से करता है और किस तरीके से करता है, इसको यूटिलाइजेशन हम लोग बोल सकते हैं। जैसे मैं आपको यूटिलाइज करने के लिए मैं बोलूँगा, नहीं मेरा क्लास 8 का जो बच्चा है ना उसको मैं यूटिलाइज करना चाहता हूँ किसी और जगह पे, मैं चाह रहा हूँ ना कि ये बच्चे जो है इसको विद्यालय की साफ सफाई में यूटिलाइज हो जाए। यूटिलाइज का मतलब आप उस काम को करेंगे, ओके। तो रिस्पॉन्स रेट और साथ साथ हमारा आइडियल सीपीयू जैसे बैठा हुआ है उसमें से वो किस काम में जा रहा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है, ठीक है। सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ टू मेक श्योर दैट द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम डज नॉट डिग्रेड। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी मेक श्योर करता है कि आपका सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड ना हो, नीचे की ओर ना गिरे। फॉर दिस ऑपरेटिंग सिस्टम चेक दैट द नेटवर्क इज़ नॉट गेटिंग ओवरलोडेड और इट कैन ऑल्सो चेंज द वे रिसोर्स आर एलोकेटेड। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इससे बचने के लिए क्या करता है कि आपका नेटवर्क को भी चेक करता है कि आपका नेटवर्क कहीं ओवरलोडेड तो नहीं है, या फिर आपका रिसोर्स कहीं जो हो रहा है वो रिसोर्स चेंज तो नहीं हो गया। मान लेते हैं कि हम प्रिंटर का यूज़ कर रहे हैं तो प्रिंटर में किस तरह की परेशानी तो नहीं है, अगर परेशानी है तो तुरंत आपको बता देगा। अभी का सिस्टम हमारा या कंप्यूटर से इतने स्मार्ट हो गए हैं कि अगर कोई भी छोटा सा एक परेशानी होगा, या मान लेते हैं किसी कारणवश आपका वायर निकला हुआ प्रिंटर का, तो वो भी आपको इंडिकेट कर देगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका सिस्टम ये इंडिकेट करता है अभी के समय में, ठीक है। उसके बाद का है सिस्टम सिक्योरिटी, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हमारे पास है वहाँ पे ये फैसिलिटी अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से दी जाती है, ठीक है।
तो वो हम लोग अलग से सॉफ्टवेयर्स रखते हैं, लेकिन हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी कुछ इस तरह का एंटीवायरस प्रोग्राम होता है जो कि हमारे सिस्टम की सिक्योरिटी को मेंटेन करता है। अब बाहरी प्रोटेक्शन यानी कि इंटरनेट का यूज कर रहे हैं या फिर अलग अलग तरह का चीज़ का यूज कर रहे हैं तो उसके लिए अलग है ना। तो यहाँ पे कहता है सम पार्ट ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम सिस्टम सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ जो सिस्टम सिक्योरिटी का बात है वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, उसके काम होते हैं, लेकिन कुछ अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका काम होता है कुछ ज़्यादा ही आपको सिक्योरिटी देने का। जैसे कि आप इंटरनेट का एक्सेस कर रहे हैं तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उतना ज़्यादा आपको सुरक्षा नहीं दे सकता है, उसके लिए आपको एंटीवायरस प्रोग्राम का यूज करना पड़ेगा। ओके, तो बेसिक सिक्योरिटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज टेकन केयर ऑफ बाई ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली। बेसिक केयर यानी कि नॉर्मल सुरक्षा जो होता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही रखता है, ठीक है। फॉर मल्टीपल यूजर्स हु आर नॉट अलाउड एक्सेस टू एवरीथिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड विद अ फैसिलिटी फॉर ग्रांटिंग राइट्स एंड परमिशंस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कुछ यूजर्स, मतलब हम अपने कंप्यूटर्स में तीन चार यूजर बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक मान लीजिए हम यूजर हैं और एक यूजर हम ऐसा बनाएंगे, इसमें मेरा पर्सनल फाइल है, लेकिन हम अपने कंप्यूटर में एक और यूजर बनाते हैं जिसको कोई और आदमी भी एक्सेस कर पाएगा, आप एक्सेस कर पाए या कोई और स्टूडेंट्स हैं जो मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं वो बच्चे एक्सेस कर पाए, ठीक है। ऐसा हम लोग बना सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि मेरे फाइल को एक्सेस आप लोग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको परमिशन ही नहीं दिया वहाँ पे। परमिशन आपको अगर अलाउ कर दिया जाए, आपको राइट दे दिया जाए कि आप इस पर्सनल फाइल को भी खोल लें, तो फिर दिक्कत है। तो ऑपरेट ये सुरक्षा कौन देता है? ये सुरक्षा हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम देते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए, इट प्रोवाइड्स द यूजर विद द लॉग इन आई डी जो मैंने अभी बताया एंड अ सीक्रेट पासवर्ड। ये आपको अलग अलग तरह के लॉग इन आई डी और सीक्रेट पासवर्ड प्रोवाइड करता है। आप अपने कंप्यूटर्स में देखते होंगे कि लॉग इन आई डी और पासवर्ड मिलता है, और आपको याद होगा कि जब मैंने लैब करवाया था तो मैंने आपको बोला था कि आपको स्टूडेंट नाम के आई डी को खोलना है, स्टूडेंट नाम के यूजर को खोलना है, याद है लैब में, ठीक है ना। दून्स पब्लिक स्कूल वाले यूजर को नहीं ओपन करना है क्योंकि उसमें पर्सनल फाइल्स हैं, उसके खोलने का परमिशन आपके पास नहीं है, है ना। इसी तरह से अलग अलग तरह के यूजर आईडी और पासवर्ड आपको दिए जाते हैं, ठीक है। एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द पर्टिकुलर सिस्टम और नेटवर्क सेट अप अ परमिशन लिस्ट ऑफ हु कैन हैव एक्सेस टू व्हाट प्रोग्राम एंड व्हाट डेटा। अब जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एडमिनिस्ट्रेटर इट मीन्स अ पर्सन, ठीक है ना। कोई एक आदमी हो सकता है जो कि नेटवर्क से जुड़ा हो। मान लेते हैं कि आपके स्कूल में तो नेटवर्क की व्यवस्था है ही नहीं क्योंकि उस तरह का सिस्टम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर नेटवर्क अगर होता तो एक एडमिनिस्ट्रेटर होता, ठीक है। एक एनए होता, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर उसको बोलते हैं, जो कि पूरे नेटवर्क को देखता, ठीक है। बड़े बड़े स्कूल में जाइएगा या फिर कॉलेजेज में जाइएगा तो वहाँ एक एनए होता है जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में लैब इंचार्ज भी बोलते हैं, ठीक है। उनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ लैब को इंस्ट्रक्ट करना, आप बच्चे जो भी जाते हैं उनको इंस्ट्रक्ट करना, ठीक है ना, जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब इंस्ट्रक्ट करना। और उनको ये चीज़, उनका ये काम होगा कि किस बच्चे को या किस सिस्टम को हम क्या परमिशन दें, वो बच्चा कौन सा सॉफ्टवेयर उसमें यूज कर सकता है, ये सारा कुछ परमिशन देने का काम एडमिनिस्ट्रेटर को होता है, ठीक है। अब ये एडमिनिस्ट्रेटर होता कैसे है? एडमिनिस्ट्रेटर आदमी होता है लेकिन सिस्टम सपोर्ट करता है, तभी तो हमारे सिस्टम में एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट भी होता है। तो उस एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को जो वहाँ का हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि ह्यूमन बीइंग जो होंगे वो उसको मैनेज करते हैं। ओके, समझ गए। अब यहाँ पे है द फैसिलिटी ऑल्सो हाइड्स द डेटा ऑफ वन यूजर फ्रॉम अनदर यूजर दस अलाउइंग मल्टीपल यूजर टू यूज सेम सिस्टम। मैंने आपको ये बताया कि डेटा हाइड करने का, ये तो मैंने थोड़ा देर पहले ही आपको बताया था कि डेटा हाइड करने का भी परमिशन आपको इसके थ्रू मिल जाता है, जिससे एक यूजर का डेटा दूसरे यूजर नहीं देख पाते हैं। ये सारा मैनेजमेंट, ये सारे सिस्टम सिक्योरिटी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारे कुछ करते हैं। ओके, तो एक और एक्टिविटी आपके पास आया है, वाई इज एंटीवायरस रिक्वायर्ड इफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज देयर टू टेक केयर ऑफ ऑपरेटिंग टेक केयर ऑफ सिस्टम सिक्योरिटी। तो इसके बारे में आप लोग अपना राय दें, आप लोग इसके बारे में लिख के हमें दिखाएं कि आखिर क्यों ऑपरेटिंग सिस्टम में एंटीवायरस की ज़रूरत होती है जब ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही अपना ख्याल रख सकता है, तो ऐसा ये एंटीवायरस की ज़रूरत क्यों होती है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा हिंट भी दे दिया है, थोड़ा और हिंट मैं आपको दे देता हूँ, इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम मान लें कि मेरा पर डे अपडेट नहीं होता है, लेकिन एंटीवायरस जो है पर डे अपडेट होता है। अगर पर डे हमारे पास कुछ हज़ार वायरसेस रोज आते हैं,
कुछ ना कुछ वायरसेस रोज़ बनते जाते हैं, तो उससे बचने के लिए, उससे प्रोटेक्ट होने के लिए हम लोग एंटीवायरस प्रोग्राम का यूज़ करते हैं। हम लोग इंटरनेट पे अलग अलग तरह के वायरसेस पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के स्पैम पाए जाते हैं, उनसे बचने के लिए इंटरनेट बैंकिंग अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग एंटीवायरस का यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारे चीज़ें जिसके बारे में आप लोग रिसर्च करिए, सारे चीज़ मैं नहीं बता दूंगा आपको, फिर आप लोग पढ़ेंगे क्या, है ना? तो इसके बारे में रिसर्च कीजिए आप लोग और बताइए क्या क्या है फिर, ठीक है? फिर उसके बाद है जैसे फाइल एंड डिस्क मैनेजमेंट है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। और या बाबू ज़्यादा बचा ही नहीं है, मैं इसको पढ़ा ही देता हूँ, ठीक है? इसके बाद चैप्टर ही समाप्त हो जाएगा, क्यों ज़्यादा दिन ये खींचना, ठीक है? तो फाइल एंड डिस्क मैनेजमेंट, फाइल एंड डिस्क मैनेजमेंट करने का मतलब होता है कि आपके सिस्टम में जितने भी फाइल्स हैं और जितने भी काम हो रहे हैं, डिस्क में, डिस्क करने का मतलब जो भी स्पेस आपके पास है, जैसे हार्ड डिस्क है ना, तो उसका मैनेजमेंट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है? सो द पर्पस एन ऑपरेटिंग सिस्टम कम्स लोडेड विद द बेसिक फाइल मैनेजमेंट कमांड्स, इसीलिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम से लोड आता है, ओके? तो जो डिस्क मैनेजमेंट का काम होता है, जो स्पेस के मैनेजमेंट का काम होता है, वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं, ठीक है? अब कैसे करते हैं, जो स्पेस हमारे पास बचा होता है हार्ड डिस्क में, मान लेते हैं कि हार्ड डिस्क में हमारे 500 GB का स्पेस है और उसको मैनेज करना, आप उसको मैनेज करना कि वहाँ पे कुछ फाइल रखना है, फाइल को निकालना है, ये सारा कुछ मैनेजमेंट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है, ठीक है? और एक और चीज़ यहाँ पे देखिए, एन ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडिंग ऑन इट्स रिक्वायरमेंट यूजुअली क्रिएट्स अ वर्चुअल मेमोरी फॉर इट्स सेल्फ टू स्पीड अप द प्रोसेसेस। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक और चीज़ है कि अगर मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोई लोड ज़्यादा पड़ता है, यानी कि ज़्यादा प्रेशर डेटा का पड़ रहा है या फिर किसी और चीज़ का लोड ज़्यादा पड़ रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद का वर्चुअल मेमोरी बनाएगा, है ना? खुद का वर्चुअल मेमोरी कहने का मतलब हार्ड डिस्क में से कुछ पार्ट लेके उसको एज अ रैम काम करवाएगा, ठीक है? मान लेते हैं 10 GB हार्ड डिस्क का ले लिया और एज अ रैम काम करवाना शुरू किया, तो ये सारे जितने मैनेजमेंट हम लोग पढ़े हैं, ये सारा काम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। और यहाँ नीचे आपके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, सम फेमस वर्जन्स ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, तो विंडोज़ XP, इनका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ का जो है XP है, विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 10 है, और विंडोज़ 8 के बारे में यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया, विंडोज़ 8 और 8.1 दो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका इसमें जिक्र नहीं किया गया, वो भी हमारे विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम से, ठीक है ना? यहाँ पे एक और चीज़ दिया गया है, विंडोज 10 इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ आप लोग जानते होंगे, ठीक है? एक और एक्टिविटी है बाबू, वी अप्लाई ऑल द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन आवर डेली लाइव्स, राइट फ्रॉम टाइम वी गेट अप इन द मॉर्निंग एंड टिल टाइम वी स्लीप, डिस्कस 5 सच सिमिलर फंक्शंस, यानी कि एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम, मैं इसको मैं सिंपल शब्दों में बता दूं कि एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस तरह से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस तरह का काम हम लोग अपने डेली लाइफ में पर डे करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक यानी सोने के समय तक। तो उसमें से दो चार पांच आपको कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो आपको बताने पड़ेंगे। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा बुद्धि है ना? हम अपने सोच से, हम अपने समझ से जो काम करते हैं, तो वैसे ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ना अपने समझ से वो काम करता है। और कौन कौन से काम करते हैं? एक पहला काम हम लोग टाइम मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है ना? टाइम आपको मैंने बताया था, मेमोरी मैनेजमेंट जो टाइम का होता है ना, टाइम मैनेजमेंट करते हैं कि चलो 8 बजे से 2 बजे तक मुझे स्कूल जाना है, 2 बजे आना है, तो फिर खाना खाना है, फिर ये करना है, वो करना है, तो मैनेजमेंट हुआ। और मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होगा? मेमोरी मैनेजमेंट होता है ना, आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट में याद करने को मिलता है, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग चीज़ याद रखते हैं, तो इन सब चीज़ों को 5 पॉइंट में आपको डिस्कस करना है। तो ये चैप्टर बाबू आपका यहीं पर समाप्त हो गया, और आप लोग इसका जो रिकैप है एक बार उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, पूरे रिकैप को एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। और आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है? अब जो जहाँ तक वो बात रहा ये क्वेश्चन आंसर का, तो ये सब क्वेश्चन आंसर के बारे में मैं आपको धीरे धीरे बताते चलूँगा कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है? पहले आप लोग इस वीडियो को देखिए, 24-25 मिनट का वीडियो है, आसानी से इसको देखिए और सारे चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू।